अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूस की। नोटबुक्स और पेन संभाल लें और साथ साथ नोट्स लेना शुरू कर दें प्लीज। पास्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ने से पहले एक नज़र हल्की सी उर्दू और इंग्लिश की भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे भी डालते जाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस जब हमने पढ़ा उसमें उर्दू का सेंटेंस था, मैं खेल रहा हूं, ठीक है, वो काम कर रहा है, ठीक है, बच्चा गाना गा रहा है, ठीक है। ये है प्रेजेंट के सेंटेंसेस। इन्हीं को पास्ट में अगर बनाएं तो पास्ट में होगा मैं खेल रहा था, ठीक है, वो काम कर रहा है, लिखा है वहां पे, तो काम कर रहा था यहाँ पे आएगा, बच्चा गाना गा रहा है तो यहाँ पे आएगा बच्चा गाना गा रहा था। यानी कि ये जो है ये प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस हमने पढ़े थे और ये प्रेजेंट पास्ट के कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस में उर्दू का सेंटेंस देखें, रहा हूं, रहा है और यहाँ पे रहा था और रहा था आ रहा है, ठीक है। ज्यादा मसला, ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा ही फर्क है। अब आते हैं इनकी इंग्लिश करने के केस की तरफ, कि इनके इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ठीक है। इंग्लिश की ट्रांसलेशन की बात करते हैं। मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा था, इसकी इंग्लिश की ट्रांसलेशन थी आई एम प्लेइंग, ठीक है, और इसकी होगी आई वॉज प्लेइंग, ठीक है। अच्छा, अगर हो तुम खेल रहे हो तो यू आर प्लेइंग, ठीक है, और तुम खेल रहे थे के लिए You were playing, you were playing, ठीक है। पहला सेंट, पहला लेटर कैपिटल और एंड पे फुल स्टॉप, ओके। अगर हो वो खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं और वो खेल रहे थे, ठीक है, तो वो खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग, ठीक है, और इसका होगा दे वर प्लेइंग, ओके। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। प्रेजेंट के सेंटेंसेस में एम आर लगा है और पास्ट के वॉज वर लगेगा। गलत, थोड़ा सा खराब लग रहा है आज, इसके लिए माजरत। अच्छा जी, अब आते हैं फॉर्मूलाज की तरफ। हमारा जो प्रेजेंट का फॉर्मूला था, प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो फॉर्मूला था वो था सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म
आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस वर, ठीक है, प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। देख लें, सिर्फ इलमार और वॉज वर का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। इंग्लिश की ट्रांसलेशन में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इलमार लगा हुआ है और पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज वर लगा हुआ है और किसी किस्म का कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओके, किसी को कुछ समझ ना आए तो पूछना जरूर है, चाहे अच्छा मैं बार बार कह रहा हूं आसान है आसान है आसान, इसमें कोई शक नहीं है आसान है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग सवाल ही ना करें इस डर से कि क्लास में तो बोला जा रहा था कि आसान है आसान है आसान है और हमें तो समझ नहीं आ रहा। अगर समझ नहीं आ रहा तो सवाल लाजमी पूछना है, ठीक है, सवाल पूछने की आदत डालें। अच्छा, और बेहतर ये होगा कि जो आपको अच्छा हर हर काम करने का एक तरीका होता है, आपके जहन में एक सवाल आए उसको लिख लें, इससे पहले कि आप भूल जाएं कि सवाल क्या है उसको लिख लें, उस सवाल को लिखें, ठीक है, एक साइड पे, और फिर उसके बारे में खुद सोचें कि मैं जो ये सवाल कर रहा हूं इस सेंटेंस का, अगर किसी सेंटेंस की ट्रांसलेशन मिसाल के तौर पे आपको समझ नहीं आ रही या कोई चीज समझ नहीं आ रही तो उसको देखें कि अभी तक जो मैं पढ़ चुका हूं उसकी लाइट में, ठीक है, उसकी रोशनी में, जो अब तक पढ़ चुका हूं उसकी रोशनी में इस सेंटेंस का क्या मतलब बनता है। गौर करना, गौर करें, सोचें, समझें और पढ़ें, ठीक है। जितना ज्यादा पढ़ेंगे, गौर करेंगे, सोचेंगे, उतना ज्यादा अच्छी तरह से आपको जबान की समझ आ जाएगी, ठीक है। और जब बेसिक लैंग्वेज की जब समझ आ जाएगी तो फिर सब कुछ हलवा हो जाएगा आपके लिए, कोई भी मुश्किल नहीं रहेगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ, दोबारा से इसका मैं फॉर्मूला लिखते रहने की दफा से ताकि आप लोगों को मसला ना हो। सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस वॉज, ठीक है, और या वर्ब, इन दोनों में से एक आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट। बहुत आसान सर है, ठीक है। और जब हम सवालिया बनाएंगे, एक ही बार में बनाते जाएंगे, जब सवालिया बनाएंगे तो वॉज वर्ब शुरू में आ जाएगा, वॉज या वर्ब, क्योंकि शुरू में आएंगे तो डब्ल्यू कैपिटल होगा जो भी होगा, ठीक है, फिर सब्जेक्ट और फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और अगर नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट, ठीक है, नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। यहां भी फुल स्टॉप, बिल्कुल कोई भी मुश्किल नहीं है। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। बच्चे खेल रहे थे, सेंटेंस आया है जनाब, बच्चे खेल रहे थे, ठीक है, बच्चे खेल रहे थे, चिल्ड्रन दी भी लगा सकते हैं लेकिन चिल्ड्रन वर प्लेइंग, ठीक है। अब सवाल ये है कि किसके साथ इज़मार वॉज लगेगा, किसके साथ वर लगेगा, ठीक है। आई और सिंगुलर के साथ वॉज लगेगा, बाकी सब के साथ वर लगेगा। यहां लिख देता हूं आई और सिंगुलर, आई और सिंगुलर के साथ वॉज लगेगा। आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, ही शी इट सिंगुलर है ना, इसलिए आई भी सिंगुलर है, लेकिन आई को नॉर्मली कभी कभी डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो यहां पे और अच्छा जी, यू और जितने भी प्लूरल होंगे, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, जमा होंगे, उन सब के साथ वर लगेगा।
यू और प्लूरल के साथ वर लगेगा, आई और सिंगुलर के साथ वॉज लगेगा। सिंगुलर में ही शी इट भी आते हैं, प्लूरल में दे वगैरह आते हैं सारे, ठीक है। कोई एक नाम आएगा तो वॉज लगेगा, एक से ज्यादा नाम आएंगे तो वर लगेगा, ठीक है। अच्छा, बच्चे खेल रहे थे, चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे नहीं खेल रहे थे। चिल्ड्रन क्योंकि प्लूरल है इसलिए वर्ड लगा रहे हैं, वर नॉट प्लेइंग, चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग, ठीक है। सवाल यह, क्या बच्चे खेल रहे थे, वह, अब वह शुरू में आ जाएगा यहां पे, और चूंकि शुरू में आएगा तो वह का डब्ल्यू कैपिटल होगा, वह, और चिल्ड्रन का सी स्मॉल हो जाएगा क्योंकि ये अब कैपिटल, अब ये पहला लफ्ज नहीं रहा जुमले का। चिल वह चिल्ड्रन प्लेइंग, ठीक है। अच्छा, मैं नॉर्मली इस बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन इन तीनों के अलावा जुमला एक और भी बन सकता है, और वो जुमला होगा जिसमें नॉट भी आएगा और सवाल भी आएगा। जैसे क्या बच्चे नहीं खेल रहे थे, ठीक है। क्या बच्चे नहीं खेल रहे थे, यानी कि नहीं भी आ गया और क्या भी आ गया, और एंड पे क्वेश्चन मार्क भी, क्योंकि सवाल यह है। वह चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अगली एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, अगली एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। वीडियो चाहे लंबी होने जा रही है, लेकिन कोशिश करें कि सारी देखें, ताकि आपको सही तरह से, अच्छी तरह से आपके जहन में ये चीजें बैठ जाएं। ये ओ है ऑब्जेक्ट के लिए। अच्छा जी, मैं उसके साथ बातें कर रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और सेंटेंस है इसका, मैं उसके साथ बातें कर रहा था, मैं उसके साथ बातें कर रहा था। अगला होगा, मैं उसके साथ बातें नहीं कर रहा था। मैं उसके साथ बातें नहीं कर रहा था। आगे होगा, क्या मैं उसके साथ बातें कर रहा था। सवाल या निशान, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, मैं उसके साथ बातें कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग टू हर, ठीक है, या हिम। अब उससे पता नहीं चलता कि कौन है बातें जिसके साथ की जा रही, ठीक है, चाहे हर लगा दें चाहे हिम लगा दें, दोनों ठीक है। आई वॉज टॉकिंग टू हर, मैं उसके साथ बातें नहीं कर रहा था, आई वॉज Not talking to her. ठीक है, क्या मैं उसके साथ बातें कर रहा था, Was I talking to him?
अब मैंने हिम लगा दिया ताकि आप लोगों को पता लगे कि हिंदी लग सकता है। उर्दू में उस से समझ नहीं आता। ये जो कर रहा था है ये मैं के लिए है ना कि उसके लिए, ठीक है। तो इससे ऑब्जेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपना मैं की बात हो रही है। ओके, अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं जनाब। अगला सेंटेंस वो अच्छी भली जिंदगी गुजार रहे थे। देखें कितना बामुहावरा जुमला है उर्दू का, माशाल्लाह। वो अच्छी भली क्या कहता था, वो अच्छी भली जिंदगी गुजार रहे थे। ठीक है, इसका नेगेटिव होगा, वो अच्छी भली जिंदगी नहीं गुजार रहे थे। ठीक है, और क्या वो अच्छी भली जिंदगी गुजार रहे थे। ठीक है, इंग्लिश का बनाते हैं इनकी। वो अच्छी भली जिंदगी, अच्छा अच्छी का जिंदगी जो है, अच्छी भली और अच्छी का एक ही इंग्लिश होगा, ट्रांसलेशन होगी। ठीक है, वो अच्छी भली जिंदगी गुजार रहे थे। दे व लीडिंग अ गुड लाइफ। ठीक है, लीडिंग के बजाय लिविंग भी हो सकता है, और यहां भी हम गुजार रहे थे या जी रहे थे। ठीक है, वो अच्छी वाली जिंदगी जी रहे थे, वो अच्छी वाली जिंदगी गुजार रहे थे। दे वर लीडिंग अ गुड लाइफ या दे वर लिविंग अ गुड लाइफ। ठीक है, आगे है, वो अच्छी वाली जिंदगी नहीं गुजार रहे थे। दे वर नॉट, अब मैं लिविंग लिख रहा हूं, लिविंग अ गुड लाइफ। जब आपको अच्छी तरह से इंग्लिश आ जाएगी फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि लिविंग और लीडिंग में कोई फर्क नहीं है। क्या वो अच्छी वाली जिंदगी नहीं, सॉरी, क्या वो अच्छी वाली जिंदगी गुजार रहे थे। अब वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा डब्ल्यू कैपिटल के साथ, क्योंकि पहला वर्ड है ये सेंटेंस का। वर दे नॉट, सॉरी नॉट नहीं है जुमले में, वर दे लिविंग अ गुड लाइफ। Were they living a good life? Question mark. जो कैपिटल लेटर्स हैं, स्मॉल लेटर्स हैं और क्वेश्चन मार्क्स हैं, जो कैपिटल हैं और क्वेश्चन मार्क्स हैं, ये पंक्चुएशन में आते हैं, तो आपने पंक्चुएशन का खास तौर पर ख्याल रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये समझ आ गई सबको उम्मीद है, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ। और ये जो नया लफ्ज मैंने आज बोला है ये लिखते हैं, ये लफ्ज है जनाब पंक्चुएट वर्ब है, और पंक्चुएशन नाउन है। ठीक है, नाउन है। इसके और बहुत से मतलब भी हैं, लेकिन एक मतलब और मेन मतलब जो है आपने अभी याद रखना है वो ये है कि पंक्चुएट का मतलब कहता है कि मतलब होता है कि जो ग्रामर के लिहाज से तसही है वो करना। ठीक है, इसमें कैपिटल्स, उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है, उसके अलावा कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है,
ये चीजें आती हैं, सेमी कॉलन, सेमी कॉलन और कॉलन, ठीक है, ये आती है। कैपिटल का मतलब है बड़ा हर्फ, जैसे ए बी, ये कैपिटल है, फुल स्टॉप ये, क्वेश्चन मार्क का ये निशान है, एक्सक्लेमेशन मार्क का ये निशान है, ठीक है, दोबारा से देख लें, एक्सक्लेमेशन मार्क का ये निशान है, कॉमा का ये निशान है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास का ये निशान है, सेमी कॉलन का ये निशान है और कॉलन का ये निशान है। तो ये सारे पंक्चुएशन मार्क्स हैं, क्या हैं? पंक्चुएशन मार्क्स। अगर कोई आपको कहे कि पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो इसका मतलब है कि आपने ये चीजें लगानी है जहां जहां लगानी है, पंक्चुएट द फॉलोइंग, ठीक है। अगरचे ये वो लेसन नहीं है लेकिन अब शुरू कर लिया है तो मैं लिख के बता देता हूं आपको क्या क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन, पंक्चुएट द फॉलोइंग, जिन लोगों को नहीं समझ आ रही वो बेशक इस बात की तरफ तवज्जो ना दें, वो उन्होंने जो सेंटेंस जो टेंस सीखा है उसी पर तवज्जो दें। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है, या पैराग्राफ या कुछ भी, ठीक है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है कि रीराइट, रीराइट का मतलब है दोबारा लिखना, दोबारा लिखें, रीराइट द फॉलोइंग, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस या पैराग्राफ्स, पैराग्राफ अगर होगा पैराग्राफ तो, ठीक है, या वो सिर्फ ये भी हो सकता है कि इसको ना लिखे, रीराइट द फॉलोइंग विद करेक्ट पंक्चुएशन, ठीक है, ये और नीचे जुमले होंगे जिनकी आपने पंक्चुएशन दुरुस्त करनी होगी। बहरहाल ये हमारा टेंस था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने मेन पढ़ा, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वॉज या वर लगाते हैं सब्जेक्ट के मुताबिक, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो लगाते हैं जुमले में वो उसके सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, फिर वॉज या वर, ठीक है, वॉज या वर इन दोनों में से एक, और फिर फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा। तो और क्वेश्चन के लिए वॉज और स्टार्ट में आ जाएंगे, सब्जेक्ट उसके बाद, फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट एंड पे, और एंड पे क्वेश्चन मार्क बिल्कुल नहीं भूलना। जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस होगा उसके एंड पे फुल स्टॉप सुन के एंड पे, और जो क्वेश्चन होगा उसके एंड पे क्वेश्चन मार्क बिल्कुल नहीं भूलना। क्वेश्चन मार्क और कैपिटल लेटर ये सबसे अहम पंक्चुएशन मार्क्स हैं जो आपको हर जगह इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग गलती नहीं करेंगे और समझने की सोचने की कोशिश करें, सोचेंगे समझेंगे, बार बार कहूंगा जब तक गौर नहीं करेंगे समझ नहीं आएगी बात, ठीक है। सवाल पूछने की सबसे पहले पूरा एक प्रोसेस बना लें, अपने जहन को ढाल लें इस प्रोसेस के मुताबिक, वो तरीकाकार वो प्रोसेस ये है कि अगर कोई सवाल आपके जहन में आता है तो सवाल को लिखें, फिर उस सवाल पे सोचें कि आपको उस सवाल के बारे में पता क्या है, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता ना कि इतना पढ़ लेने के बाद आपको उसका कुछ भी आंसर ना पता हो, ठीक है, चाहे टूटा फूटा जैसा भी है, खुद से उसका आंसर सोचने की कोशिश करें, ठीक है, खुद से सोचें, और फिर भी अगर आप मुतमइन नहीं होते, सेटिस्फाइड नहीं होते, तो अगले बंदे सवाल करें। खैर आप मुतमइन हैं तब भी सवाल कर सकते हैं अगर कोई भी शक है, कहने का मतलब ये है कि मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप लोग एक प्रोसेस में ढाल लें अपने दिमाग को, ठीक है, सवाल पूछने, सवाल सोचना, सवाल पूछने की आदत डालना, ठीक है, उस पर गौर करना, फिर आंसर उसका जवाब खुद से सोचने की कोशिश करना, फिर उस पर गौर करना कि जो आंसर मैंने लिखा है क्या जो अब तक मैंने ग्रामर के कवानीन पढ़े हैं उन पे पूरा उतरता है। अगर फिर भी कोई शक है तो फिर आप किसी ऐसे बंदे से, किसी टीचर से पूछ लें जिसको आपके ख्याल में उस सवाल का जवाब पता होगा। तो कोई भी सवाल हो जरूर पूछें, सवाल पूछने से बिल्कुल भी नहीं झिझकना चाहिए, ठीक है, कोई तनकीद हो वो करें, कोई तारीफ हो वो करें, सवाल पूछें
और किसी बात के मतलब नहीं समझे वो पूछें, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेंगे। ये सब देखने का, वीडियो देखने का शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, इजाज़त दीजिए।